नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो आज का जो विषय है दोस्तों वो है हिंदुजा फैमिली के बारे में। हिंदुजा समूह के मालिक श्री चंद हिंदुजा और उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा है, जिन्होंने संक्षेप में हिंदुजा भाइयों के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में की थी, जिसकी शुरुआत मुंबई भारत में हुआ था और 1919 में इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालना ईरान में शुरू किया गया। इस समूह का मुख्यालय ईरान ले जाया गया, जहां ये 1979 तक रहा। इस्लामी क्रांति के कारण इसे यूरोप ले जाने पर बाध्य होना पड़ा। अपने पिता के निर्यात व्यापार को विकसित करने के लिए श्रीचंद हिंदुजा और उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा लंदन चले गए। हिंदुजा समूह ने 1987 में भारत के दूसरे सबसे बड़े HCB निर्माता अशोक लीलैंड को खरीद लिया। भारत में समूह का यह पहला सशक्त प्रयास था। कंपनी का बड़ा निर्यात बाजार है। इसके अलावा श्रीलंका में 65% से अधिक का बाजार शेयर भी है और साथ ही दुबई में बस अनुभाग में भी इतना ही बाजार शेयर है। 2003 से 2005 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के तेल और खाद्य कार्यक्रम के तहत कंपनी को ईरान के लिए 3322 ट्रकों के ऑर्डर प्राप्त हुए, जो कि भारतीय वाणिज्यिक वाहन उद्योग में सबसे बड़ा ऑर्डर था। CNG बसों और सशस्त्र बलों के लिए विशेष वाहनों के मामले में कंपनी अग्रणी भी है। इन दोनों तरह के वाहनों से कंपनी को अतिरिक्त निर्यात के मौका मिला। कंपनी फिलहाल में प्रति वर्ष 84,000 वाहनों का उत्पादन कर रही है, जबकि उसका लक्ष्य इस साल 1,00,000 से ज़्यादा वाहनों का है। संयुक्त अरब अमीरात में रस अल खोमा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी RAKIA के साथ संयुक्त उद्यम में एक नया वाहन फिटिंग्स स्वतंत्र बनाया जा रहा है, जिसके मार्च 2008 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। अपने रिटायर्ड स्थित डिफेंस टेस्टिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज DTE को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है, जो मुख्य अमेरिकी कार निर्माताओं की आपूर्ति किया करती है। IDL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ गल्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड के विलय हो जाने से हिंदुजा समूह का रासायनिक हब मजबूत हुआ। यह विलय 1 जनवरी 2002 में प्रभावी हुआ। भारतीय रासायनिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने में हिंदुजा समूह को इस विलय से मदद मिली। फिलहाल कंपनी के 4 प्रमुख ऑपरेटिंग प्रभाग हैं। नंबर 1, वाणिज्यिक विस्फोटक, विस्फोटकों के डिटोनेटर, विस्फोटक को बांधने वाली धातु के आवरण और सेना के लिए विशेष उपकरण तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का प्रबंध करता है। भारत में 8 संयंत्र है। इसका हैदराबाद का संयंत्र विश्व की सबसे बड़ी डिटोनेटर विनिर्माण इकाई है। फिलीपींस सहित दक्षिण एशिया के देशों, उत्तरी अफ्रीका, फ्रांस की खाड़ी देशों, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप के 21 देशों का यह सबसे बड़ा विस्फोटक और डिटोनेटर का निर्यातक है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स ग्रीस और कार की सहायक सामग्री है। 1993 में स्थापित और अब भारत में निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा ल्यूब्रिकेटर्स तेल निर्माता है। 3rd, खनन और आधारभूत संरचना, कोयला और लोहा अयस्क के क्षेत्र में बड़े स्तर के खनन सेवाओं के उपकरण के अलावा
भूमिगत मेट्रो रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी बुनियादी संरचना के सेवा क्षेत्र। फिलहाल ये कोल इंडिया लिमिटेड के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। लोह अयस्क के खनन क्षेत्र में ये प्रभाग बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जहां लोहा अयस्क से समृद्ध बहुत बड़े खानों में कार्यरत है। चौथे नंबर पर विशेष रसायन, सक्रिय दवा सामग्री, मध्यवर्ती सामग्री और टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और तरल दवा जैसी परिष्कृत सामग्री का विनिर्माण। इसके अलावा अनुबंध अनुसंधान और विकास सेवाएं चलाता है। विनिर्माण कार्य हैदराबाद में होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गल्फ ऑयल इंटरनेशनल, जो लंदन कार्यालयों से संचालित होता है। दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों और पेट्रोलियम उत्पाद के व्यापारियों में से एक है। 83 से अधिक देशों में कंपनी के अपने नेटवर्क के माध्यम से ये संयुक्त उद्यम लाइसेंसधारियों और वितरकों के बीच सक्रिय है। दुनिया भर में 3000 से अधिक लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और इससे अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक लोग को रोजगार मिलता है। यूरोप के अधिकांश देशों, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और इंडोनेशिया में इसके फिलिंग स्टेशन है। बहुत सारे देशों में ये कार बैटरी, कार की देखभाल संबंधी उत्पाद, वाहन के एयर फिल्टर, लुब्रिकेशन मशीनरी और खास तरह के रसायन भी बेचती है। सऊदी अरब में कंपनी अपनी विशेष गल्फ एक्सप्रेस के नाम से सेवा केंद्रों की विशिष्टता श्रृंखला का परिचालन कर रही है और बहरीन तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों में विस्तार की योजना बना रही है। खबर है कि ये भारत में तेल रिफाइनरी और सर्विस स्टेशनों की एक श्रृंखला स्थापित करने पर विचार कर रही है। चीन में एक बड़े संयंत्र और मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में विस्तार के साथ इंडोनेशिया, श्रीलंका और चीन में प्रवेश करने तथा बड़े पैमाने पर दुबई, सऊदी अरब और भारत में परियोजनाओं के विस्तार की योजना के साथ गल्फ ऑयल इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पाद के व्यापारियों में से एक है। निजी क्षेत्र के बैंकों में इंडसइंड एक प्रमुख बैंक है और यह केवल अकेला बैंक है जिसे NIR अप्रवासी भारतीयों ने स्थापित किया है, और भारत में यह केवल अकेला व्यावसायिक बैंक है जिसे नेटवर्क शाखा के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त है। ISO 9001:2000 है। इसने 1 बिलियन रुपये की पूंजी से 1994 में कॉरपोरेट तथा SSE की ऋण देने के साथ अपना परिचालन शुरू किया और इसके बाद अशोक लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड के साथ 2004 में विलय इसका हो गया। इसने खुदरा बैंकिंग पर विशेष जोर डाला और फिर ये $10 बिलियन की पूंजी वाले बैंक के रूप में विकसित हो गया और अब इसकी कुल परिसंपत्ति 200 बिलियन रुपए के करीब है। 1.5 मिलियन ग्राहक और 170 शाखाओं तथा दूर दराज के स्थानों में 99 ATM 31 मार्च 2007 तक के साथ ये भारत के 141 भौगोलिक स्थानों में फैला हुआ है। दुबई और लंदन में विदेशों प्रतिनिधियों कार्यालय होने के साथ दुनिया भर में 335 बैंकों के साथ इसके पत्र व्यवहार बैंकिंग संबंधी भी है। हाल ही में कुछ समय पहले अपने NIR व्यापार को बढ़ाने के लिए इस बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात के यूनियन नेशनल बैंक ऑफ कतर
में दोहा बैंक के साथ रणनीतिक समझौते किए। देश में 745 से अधिक विपणन केंद्रों वाली इंडसइंड मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नामक एक कंपनी के मार्फत से ऋण उत्पादों की विपणन व्यवस्था के जरिए बैंक की राष्ट्रीय पहुंच और अधिक विस्तारित हुई। S&P की स्थानीय सहायक मूडीज एंड फिच के अपने वित्तीय साधनों के लिए बैंक के सुरक्षित उच्च घरेलू निवेश ग्रेड रेटिंग है। हिंदुजा समूह की एक कंपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज बेसिक डिलीवरी मॉडल का लाभ उठाते हुए बेसिक ग्राहकों को इंजीनियरिंग ERP और IT क्षेत्र के सेवा प्रदान करने वाली एक प्रमुख प्रदाता है। 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित डिफेंस के बाद में हिंदुजा समूह द्वारा अधिग्रहित करा लिया गया और 120 से अधिक वैश्विक ग्राहकों और 30 फॉर्च्यून 500 कंपनियों सहित शीर्ष वैश्विक कंपनियों की सेवा का इसका एक लंबा इतिहास है। भारत के चेन्नई में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा भारत के चेन्नई तथा बेंगलोर में डिफेंस के विश्व स्तरीय विकास केंद्र है और मिशिगन के बेस्ट लैंड और ट्रॉय में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं हैं। डिफेंस के अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्वी, दक्षिण अफ्रीका और भारत में व्यापारिक कार्यालय है। डॉक्टर बी सुमंत्रन डिफेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अध्यक्ष और श्री सुबु डी सुब्रमण्यम मुख्य अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक हैं। हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड लिमिटेड की स्थापना 1978 में एक वित्तीय कंपनी के रूप में की गई और जो 1994 में स्विस विनियमित बैंक बन गई। हिंदुजा बैंक का मुख्यालय जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में एक विकसित नेटवर्क सहित ल्यूसर्न, ज्यूरिक, सेंट मगरीथन और वैसले में कार्यालय है। इसके अतिरिक्त लंदन, दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉरिशस और चेन्नई में भी इसकी वैश्विक उपस्थिति है। वर्षों से इसके कारोबार का विस्तार करते इसमें धन प्रावधान, व्यापार, वित्तीय सेवा, वैश्विक निवेश, सॉल्यूशंस और कॉरपोरेट वित्तीय सेवाओं को शामिल किया गया है। दिसंबर 2001 में एलिजाबेथ फिलिक्स ने हिंदुजा भाइयों द्वारा उनकी पत्नी की कंपनी को किए भुगतान को रजिस्टर में दर्ज नहीं करने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन कहा कि भुगतान को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साठगांठ की थी। फिलिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी सलाह के लिए उनकी पत्नी को भुगतान किया गया था और कहा कि इससे सीधे तौर पर बाज को कोई निजी लाभ नहीं हुआ है और उनकी पत्नी को हुए भुगतान के बारे में बताने का कॉमन्स का नियम नहीं है। हालांकि उन्होंने उनकी गोपनीयता को आलोचना करते हुए कहा, मेरे सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि इस तरह कोई छिपाने के लिए श्री बाज और उनकी पत्नी के बीच महीनों तक साठ गांठ रही और हिंदुजा परिवार के साथ उनके संभावित आर्थिक संबंधों की सटीक जानकारी प्राप्त करने से भी मुझे रोका गया। फरवरी 2005 में हिंदुजा भाइयों की भारत स्थित प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने सूडान के रक्षा मंत्रालय को 100 सैन्य वाहन की आपूर्ति करने के समझौते की घोषणा की। हथियार संबंधी राजनीतिज्ञ मार्क थॉमस ने आरोप लगाया कि इससे ब्रिटेन के हथियार निर्यात कानून का उल्लंघन हुआ है क्योंकि कंपनी के निर्देशक ब्रिटेन के निवासी या नागरिक हैं।
तो दोस्तों ये था कहानी हिंदुजा फैमिली के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिले। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।